बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेलकम टू माय चैनल साजिद रोड लाइफ व्लॉग। और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद वाला के फसलों करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। लोग आज का शुरू करते हैं, तो ब्लॉग आपको पता है कि रात को हमने जो है रात एबटाबाद में गुजार दी, क्योंकि हमारी गाड़ी की वजह से हम लोग आगे नहीं जा सके। तो प्लान ये था कि एबटाबाद रात को रुकेंगे और यहाँ से सुबह निकलेंगे नारायण के लिए। तो अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग जो है नारायण के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन लगता है कि हमारा ये ख्वाब जो है इस साल ये ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि अभी हमारी एक टीम ऑलरेडी नारायण में मौजूद है और उनका अभी मैसेज और तस्वीरें आई हैं कि नारायण में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वहाँ पर लाइन ट्रेड इतनी हो चुकी है कि वहाँ पर जाना जो है बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये भी एक भाईजान मौजूद है, इनकी रिक्वेस्ट ये लगा है कि हमें भी ब्लॉग में डालें, तो इसलिए हम उनको भी अपने ब्लॉग में जो है वो ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक जगह ढूंढी है जी, एबटाबाद में ही है ये, हरनोई रिवर के नाम से है। तो यहाँ पे जो है बड़ा नदी है एक पानी की, तो हमने सोचा कि चले यहीं पे इंजॉय किया जाए, यहाँ पे अभी कैंपिंग करेंगे, खाना खाना जो है सब कुछ हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। तो चलिए जी आपको नदी की सैर करवाते हैं और आपको बताते हैं, और आपको ये बता सकते हो कि ये नदी जो है एबटाबाद में हरनोई रिवर के नाम से मशहूर है और एबटाबाद सिटी में ही, एबटाबाद सिटी से मेरे ये कोई 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर है, बड़ी मशहूर है। आप इससे भी और व्यू जब मैं आपको यहाँ पर कल करवाऊँगा तो 100% आप जब भी एबटाबाद आएंगे तो आप मेरा कल यहाँ से हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो चलिए जी चल के आपको इस नदी का जो है व्यू करवाते हैं और साथ ही हम इंजॉय करते हैं और सब कुछ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लगाने के लिए हमने एक जगह डिसाइड की है और मैं भी पानी को क्रॉस करके आया हूँ, तो अभी परली तरफ चलते हैं। कैंप लगाने के लिए जगह जो है वो वाजिद भाई ने ढूंढी है, और वाजिद भाई जो है ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से छोटे ये हैं और इनसे छोटा जो माजिद है वो आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। वाजिद वाले जी, ये वाजिद भाई ने जगह ढूंढी है कैंप लगाने के लिए, अभी हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे। और सामने आप अगर देखें मेरे पीछे तो ये पानी चल रहा है और यहीं पर हमारी कैंपिंग होगी और यहीं पर खाना पीना इंशाल्लाह भी करेंगे, क्योंकि जगह बड़ी प्यारी है। वो देखें जी सारा आपको व्यू करवाऊँ, तो ये सारी ये वादी है और बहुत ही हसीन वादी है जी ये। हमारे अलावा जो यहाँ पे हैं और भी बहुत से विजिटर्स आए हुए हैं, और आपको मैंने जगह का एड्रेस बता दिया, आप भी कभी अगर एबटाबाद आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि हमने भी ये जगह दूसरी दफ़ा देखी है। आज एक दफ़ा मैंने ये जगह जो है 2005 में देखी थी, लेकिन उस वक्त ये इतनी आबाद नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पे बहुत ही विजिटर जो है वो आते हैं। तो आपसे भी अगर आप भी एबटाबाद आएँ तो इस जगह को मिस ना कीजिएगा। Yeah.
यहाँ पे मैं आपको अल्लाह पाक की एक कुदरत दिखाता हूँ कि जहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने लगे, यहाँ पे एक दरख्त है और वो दरख्त के जब हवा चली है तो उसके पत्ते जब उड़े हैं तो ऊपर से वो पत्ते ग्रीन है और नीचे से वो पत्ते वाइट हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अब यही अला रब्बी कुमात वजीबान कि आप अल्लाह पाक की कुदरत देखेंगे, पत्ते ऊपर से सब्ज़ हैं और नीचे से वाइट हैं जी। ये तमाम पत्ते सारे देखें यहाँ पे ऐसे ही हैं। मैं वापसी जो है दरिया को क्रॉस करके उधर जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है और सारी जो है वो चीज़ें उधर ही पड़ी हुई हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि ये आलम है नीचे पानी का, पानी का बहाव भी बड़ा तेज़ है। कैमरा भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ और मेरा ये कैमरा भी वाटरप्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी बड़ा गहरा हो गया लेकिन जाना तो पड़ेगा यहाँ से। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दरिया जो है वो क्रॉस हो चुका है। दरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका नाम हरनोई रिवर है, इसलिए मैं इसको दरिया बोल रहा हूँ। ये जगह जो है वो सिलेक्ट हुई है कैंपिंग के लिए और अभी माजिद और वाजिद भाई जो है वो ले आए हैं कैंप और यहाँ पे कैंप खोल के लगाएंगे। अलहमदिल्ला जी कैंप हमारा जो है वो लग चुका है। आप देख रहे हैं कि मैं कैंप के अंदर ही हूँ तो अभी खाना जो भी है वो करेंगे। उससे पहले जो है मेरा तो काम करके हाल बुरा हो गया, तो अभी मेरा ख्याल मेरा मूड जो है वो नहाने का है तो अभी हम नहाएंगे, तो उसके बाद जो है बाकी जो काम भी करना होगा उसके बाद करेंगे। अभी फिलहाल कैंप हमारे जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, तो चलिए जी चल के नहाते हैं। ठंडा और तेज़ पानी है लेकिन मज़े की इंतहा है। मैं आपको बता सकता हूँ क्या मज़ा पानी में, आगे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि पानी वाकिफ नहीं है हमारा, तो हम इसलिए पीछे चलते हैं तो फिर वहाँ पे चल के दोबारा नहाते हैं। चंगे भले सुके सुके अभी हम लोग जो है नीचे से सारा सामान लेके आए हैं। वो रात ही एक्सीडेंट हो गया, पानी की बोतल थी वो भी टूट के बह गई है और हम लोग खाने का बंदोबस्त करने के लिए गए थे मैं और वाजिद भाई, सामान लेके आए हैं सारा और जो खाना छाना जो भी था वो अभी यहाँ पे पकाएंगे। तो लेकिन पानी हमारा जो है उसका नुकसान हो गया, बोतल हमारी टूट के जो है बह गई है। हम अभी अपने अड्डे पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे यहाँ खाने पीने का वो निज़ाम था वो सारा ये लगा हुआ है, ये चूल्हा पड़ा हुआ है और ये चीज़ें अभी सारा कुछ जो है यहाँ पे पकाएंगे और यहीं पे आज जो है हमारा खाना दोपहर का यहीं पे होगा। यहाँ पे फुल टाइम जो हम काम लगा रहे हैं वो जी 100-200 साल पुरानी टेक्निक जो थी वो हम आज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमारे देखे हमने पांच पत्थर उठाए हैं उनसे अब ये सिल बट्टे का काम लेंगे। तो यहाँ पे जी ये चट्टू बट्टा हमारा जो है ये है जी। ये बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं, हम लोग आपको ऐसी टेक्निक्स बताते रहेंगे कि अगर आप कहीं पे कैंपिंग करते हैं या इस तरह की जगह पे आते हैं तो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो सामान का बर्डन जो है वो आपसे उतर जाएगा। वो भी खुरम भाई ने वो सारा जो जितना भी कूटने कटाने वाला काम था वो पत्थरों पर कूट लिया। हमारा चट्टू बट्टा यही था जी आज।
जी खाना पीना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो चुका है, बर्तन शर्तन ये देखें सारा कुछ जो है अभी कंप्लीट हो गया है, सब कुछ फारिग हो गया है और अभी हम लोग जो हैं खाना खा के बिल्कुल थक चुके हैं और मेरा मूड जो है थोड़ा आराम करने का, क्योंकि थ्रू आउट गाड़ी मैंने चलाई है और थ्रू आउट मैंने ही चलानी है, तो अभी मेरा जो मूड है वो हो गया है जी थोड़ा रेस्ट करने का। तो मैं जा रहा हूँ कैंप पर रेस्ट करने के लिए और बाकी जो है अपना इन्जॉय करेंगे, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह निकलते हैं जी यहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ जी कैंप में सोने के लिए और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तकरीबन महल एक घंटा मैंने सो लिया, नींद मेरी काफ़ी पूरी हो चुकी है, तो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी निकलते हैं जी कैंप शैम्प जो है इसको उठाते हैं और बंद करते हैं और निकलते हैं जी यहाँ से। जी ये है जी कैंप के बाहर का नज़ारा और अभी मेरा पुरम भाई भी मुझे आ गए थे उठाने के लिए, तो ये अभी बाहर का जो है व्यू है, तो अभी कैंप उठाते हैं और निकलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और हमने लाहौर पहुंचना है, तो लाहौर पहुंचने के लिए हमें अभी गाड़ी भी दौड़ानी पड़ेगी, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो चलिए जी कैंप उठाते हैं और निकलते हैं जी यहाँ से। हरनोई रिवर के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ वो शाम को जो पानी है ना, बल्कि यहाँ के बारे में मशहूर नहीं है, ये एक कॉमन सी बात है, कुदरती निज़ाम है कि शाम को पानी जो है वो बढ़ जाता है। तो अभी शाम काफ़ी हो चुकी है और हमने सामान जो है काफ़ी सामान हमारे पास है जो हमने कैरी करना है और यहाँ से लेकर दरिया के पार जाना है, और टांगनी खड़ी हो रही है, इतना मैं थक चुका हूँ अभी टांगों में भी जान नहीं है खड़े होने की, तो अभी जी सामान जो है वो उठा रहे हैं और लेके गाड़ी की तरफ जा रहे हैं ताकि यहाँ से शाम से पहले निकला जाए, इससे पहले कि पानी पड़े हम लोग यहाँ से निकलेंगे। माजिद भाई जो है अपना सामान अपने हिस्से का उठा कर लेके जा रहे हैं और हर कोई बंदा जो है अपने अपने हिस्से का सामान उठाएगा, और अभी यहाँ पर कैंप जो लगे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह अभी समेटने हैं, तो वाजिद भाई को मैं आपको दिखाता हूँ वाजिद भाई ने क्या उठाया हुआ जी, वो देखें जी, वो एक हाथ जो उनका है वो फ़ोन पे है और दूसरे हाथ में उन्होंने सामान उठाया हुआ है, सुहेल भाई अपना सामान उठा के ले गए हैं और बस अब जी जिसके हिस्से में जो जो चीज़ आ रही है वो उठाएगा यहाँ से और गाड़ी में बैठने की और गाड़ी में बैठ कर निकलने वाली बात करेंगे अपन। रहमान रहीम सुभान अल्लाह जी सखर लना हादमा मकुन्ना लहु मुक्रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलीयुल अज़ीम। तो शुक्र अल्लाह जी फाइनली जो है हमने वापसी स्टार्ट कर दी है, अभी हम लोग निकले हैं हरनोई से, तो वापसी का रास्ता जो है हमने पकड़ लिया, तो अभी सबसे पहले एबटाबाद जाएंगे ऊपर सिटी में, तो वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं जी, और उसके बाद आपके साथ पूरा सफ़र जो है वो इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। तो इसी के साथ ही आज के व्लॉग खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल की सपोर्टिंग के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना भूलिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।